Hello student, I am your EVS teacher. Today we are going to study chapter 4, mangoes round the year. So open your book. Wow, Aman's lunchbox has sweet puris. Hey, today Nitu has brought potato sabji. I have got bhindi. Oh, Nitu, I think your potato sabji is spoiled. Don't eat that. You may fall sick. Here, you take some bhindi. Aman ke dibbe mein to meethi puri hai. Nitu aloo ki sabji lai hai. Main bhindi lai hoon. Nitu, lagta hai tumhare aloo to kharab ho gaye hain. हाँ, इन्हें मत खाओ, कहीं तुम्हारा पेट खराब ना हो जाए. अरे तुम ये भिंडी ले लो ना. डिस्कस, चर्चा करो. हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड. अमन को क्यों लगा कि आलू खराब हो गए हैं. हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड. हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड. क्या तुमने कभी ऐसा खाना देखा है जो ख़राब हो गया हो. तुम्हें कैसे पता चला कि वह ख़राब हो गया है. प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी. व्हाट वुड हैव हैपन्ड इट इफ सी हैड ईटन इट. प्रीति ने नीतू को आलू खाने से मना किया. तुम्हें क्या लगता है कि यदि नीतू वह खा लेती तो क्या होता. टर्न द पेज. Look in your kitchen and write down names of food items that can get spoiled in 2 to 3 days, can be kept for a week, would not spoil till 1 month. रसोई घर में से खाने पीने की कुछ चीज़ें चुनकर लिखो जो 2-3 दिन में ख़राब हो सकती हैं, हफ्ते भर तक ख़राब नहीं होंगी और महीने भर तक ख़राब नहीं होंगी. ये खाली स्पेस दिया हुआ है, इधर ब्लैंक स्पेस में अपन को भरना है. लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास. विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल सीजन्स. व्हाट वुड चेंज व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इन योर हाउस. व्हाट डू यू डू विद इट. अपनी दोस्त की सूची देखो और उस पर चर्चा करो. क्या तुम्हारी सूची हर मौसम में यही रहेगी. सूची मतलब लिस्ट. क्या बदलेगा. तुम्हारे घर पर खाना ख़राब हो जाता है तो तुम उसका क्या करते हो. बीजी रिटर्न द ब्रेड. बीजी ने लौटाई ब्रेड. अमन्स बीजी वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड. द शॉप क्या है कबाज वेरी crowded. The shopkeeper picked up a packet of bread and gave it to BG. She looked at it and returned it immediately. Look at the picture of the bread packet here and guess why BG returned it. How did the find that the bread had got spoiled. अमन की बीजी बाजार से ब्रेड लेने गई. दुकान पर काफ़ी भीड़ थी. जल्दी में दुकानदार ने ब्रेड का एक पैकेट दिया पर बीजी ने पैकेट देखकर उसे लौटा दिया. क्या तुम पैकेट की तस्वीर देखकर अनुमान लगा सकते हो कि बीजी ने पैकेट क्यों लौटा दिया होगा. उन्हें ब्रेड खराब क्यों लगी. फाइंड आउट पता करो. लुक केयरफुली एट 2 to 3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम्स. वाट कैन वी नो फ्रॉम वाट इट रिटर्न ऑन द पैकेट. वेन यू आर एनी थिंग फ्रॉम द मार्केट वाट डू यू लुक फो ऑन द पैकेट. खाने की किन्हीं 2-3 चीज़ों के पैकेट देखो. पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें क्या क्या पता चलता है. जब तुम बाजार से कोई सामान खरीदते हो तो पैकेट पर लिखी कौन सी जानकारी
देखती हो। नेक्स्ट पेज, हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड, खाना कैसे खराब होता है। द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट एंड पुट इट इन अ बॉक्स। क्लोज द बॉक्स, सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंजेज ऑन इट। प्रयोग, पूरी कक्षा मिलकर यह प्रयोग करें। रोटी या ब्रेड के एक टुकड़े पर पानी की कुछ बूंदें डालकर एक डिब्बे में बंद कर दो। कुछ दिन तक ब्रेड को रोज देखो, जब तक तुम्हें ब्रेड पर कुछ बदलाव ना दिखे। दी गई तालिका को चार्ट पर बनाओ। तालिका मीन्स लिस्ट, ये सारणी। पूरी कक्षा में चर्चा करने के बाद उसे रोज भरना है। मेक दिस टेबल ऑन अ चार्ट पेपर एंड पुट इट अप इन द क्लासरूम। फिल अप द चार्ट एवरी डे आफ्टर डिस्कसिंग द चेंजेस सीन। जो भी हमको बदलाव दिखाई देते हैं उस हिसाब से हमको उस पर लिखना है। अभी चार्ट कैसा बना, ब्रेड में कब कब कैसे बदलाव आया, इसके लिए हम जो तालिका बनाएंगे, सारणी, तो उसके लिए एक टेबल बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में सारणी या तालिका। उस पर हमने लिख दी है, एक साइड लिख दी है क्या, डे, एक दो तीन चार पाँच छः दिन हो गए इधर। फिर बाय टच, छूने से क्या होता है, पहले ब्रेड में बदला, चेंजेज इन द ब्रेड और रोटी। बाय टच, बाय स्मेल, बाय लुकिंग थ्रू हैंड लेंस, बाय कलर, छूने से क्या होता है उसका और गंध में क्या अंतर आता है, और हैंड लेंस से देखने में वो कैसी दिखाई देती है, उसका रंग कैसा हो जाता है। तो हमको ये डेली करके देखना है, उस जो पानी की बूंदों को डालेंगे ब्रेड के ऊपर, इसके बाद लिखना है। फाइंड आउट द रीज़न फॉर दीज चेंजेस, फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स। सम फूड्स स्पॉइल सून, सम स्टे गुड फॉर लॉन्ग। लिस्ट सम सीजन्स एंड कंडीशंस इन विच फूड स्पॉइल्ड क्विकली। पता करो इस बदलाव का क्या कारण हो सकता है। ब्रेड पर फफूंदी कहाँ से आई होगी। अलग अलग खाना कई तरह से खराब हो सकता है। कुछ खाना जल्दी खराब होता है तो कुछ देर में। खाना किन कारणों से और किन स्थितियों में जल्दी खराब हो सकता है उसकी सूची बना, उसकी भी टेबल बनानी है। टर्न द पेज, गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स एंड सम सिंपल मेथड। बाय विच दीज कुड बी कैप्ट फ्रेश फॉर 1 to 2 days, मैच द करेक्ट पेयर्स। दी गई तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीज़ों के नाम हैं और दूसरी तरफ उन्हें 1 से 2 दिन तक खराब होने से बचाने के कुछ घरेलू उपाय। खाने की चीज़ों का उनके उपाय से लाइन बनाकर मिलान करना है। मिल्क, मिल्क को मेथड देखना है, घरेलू उपाय क्या करते हैं हम, इसको बॉयल इट, तो मिल्क को लेकर के हम बॉयल इट पे मिला देंगे। मिल्क से लेकर एक लाइन खींचेंगे बॉयल इट तक। सेकंड है कुक्ड राइस, जो पके हुए चावल होते हैं उनको हम क्या करते हैं, एक कटोरे में डाल करके और पानी के बर्तन में रखते हैं। और ग्रीन कोरिएंडर यानी कि धनिया, हरा धनिया जो होता है उसको गीले कपड़े में लपेट करके रखते हैं, तो रैप इन ए डैम्प क्लॉथ, इससे मिला देंगे। इसके बाद है ऑनियन और गार्लिक, इनको हम क्या करते हैं, खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। तो ये इसके सामने लिखा हुआ है, कीप इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस, तो इसी से मिला देना है। तो ये आपकी जोड़ियाँ हुई। समर ट्रीट मामिंडी टंडरा, मामिडी
तांड्रा। चिट्टी बाबू एंड चिन्नी बाबू लिव इन आत्रेयपुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग द मैंगो गार्डन। व्हेन द ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट्स दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज विद साल्ट एंड चिली पाउडर। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गांव में रहते हैं। छुट्टियों में उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है। जब पेड़ आम से लदे होते हैं उन्हें कच्चे आम को काटकर नमक मिर्च लगाकर खाना भी बहुत पसंद है। एट होम देयर मदर कुक्स अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वेज। सी ऑल्सो मेक्स मैनी काइंड्स ऑफ मैंगो पिकल्स। द पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन। उनके घर पर उनकी अम्मा कच्चे आम को अलग अलग तरह से पकाती हैं। वे आम का अचार भी 3-4 तरीके से बनाती हैं। आम का यह अचार साल भर चलता है अगले मौसम के आम आने तक। वन इवनिंग वाइल हैविंग फूड चिन्ना बाबू आस्क्ड अम्मा वी हैव सो मैनी मैंगोज मेक सम ममीडी तंद्रा। आम पापड़ को ये आंध्र की भाषा में बोलते हैं मामीडी तांड्रा आम पापड़ के लिए फ्रॉम देम। एक दिन शाम को खाना खाते समय चिन्ना बाबू ने कहा अम्मा इतने सारे आम पके रखे हैं उनका मामीडी तांड्रा यानी कि आम पापड़ बनाओ ना। फिर उनके अप्पा ने कहा यह तो 4 हफ्तों का मेहनत वाला। देयर फादर सेड मेकिंग मामीडी तांड्रा नीड्स 4 वीक्स ओ हार्ड वर्क। इफ यू बोथ प्रोमिस टू हेल्प अस एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 4 वीक वी कैन टूगेदर मेक द मामीडी तांड्रा। तो उनके पापा ने क्या बोला कि यह तो 4 हफ्तों का मेहनत वाला काम है, अगर तुम दोनों मदद करोगे तो ही हम सब मिलकर के मामीडी तांड्रा बनाएंगे। बोथ द ब्रदर्स क्विकली एग्री टू हेल्प। द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रेन वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर। दे बॉट अ मैट वूवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ पाम ट्री होल्स ऑफ कैसुअरिना ट्री स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क सम जैगरी एंड शुगर। भाइयों ने मदद के लिए जल्दी से हामी भर दी। अगले दिन सुबह दोनों भाई अपने पापा के साथ बाजार गए। वहाँ से चटाई कैजुरीना पेड़ के डंडे नारियल से बनी रस्सी गुड़ और चीनी खरीद करके वो ले आए। अम्मा फाउंड ए सनी प्लेस इन द बैकयार्ड। बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स। दे स्प्रेड आउट द टाइट द मैट ऑन दैट प्लेटफॉर्म। अम्मा ने आंगन में एक कोना ढूंढा जहाँ दिन भर अच्छी धूप आती हो। यहाँ दोनों भाइयों ने डंडों से एक ऊंचा मचान बनाया। उन्होंने उस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी। द नेक्स्ट डे अप्पा चोज द मोस्ट राइप मैंगोज। दे टुक आउट द मैंगो पल्प इनटू अ लार्ज पॉट। देन दे स्टैंड द पल्प थ्रू अ फाइन मसलिन क्लोथ टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प। देन चित्ती बाबू क्रस्ड द गुड़ यानी जगेरी टिल देयर वर नो लम्प्स। दे एडेड द जगेरी एंड सुगर इन इक्वल अमाउंट्स। अगले दिन अप्पा ने सबसे ज़्यादा पके हुए आम अलग छांटे। सभी ने मिलकर आम का गूदा निकाला। फिर एक बड़े से बर्तन पर पतले सूती कपड़े से आम के रस को छाना ताकि गूदे में आम के जो रेसे हैं वो ना रहें। चिट्टी बाबू ने गुड़ को अच्छे से तोड़ा ताकि उसमें बिल्कुल गांठ ना रहे। लंप मीन्स गांठ टू द पल्प। चिन्नी बाबू मिक्स द जैगरी एंड सुगर वेल विथ अ बिग स्पून। अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू अ थिन लेयर ओवर द मैट। द थिन लेयर वाज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन। इन द इवनिंग
they covered the mat with a clean sari to avoid any dust. फिर उन्होंने आम के रस में बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी डाली। चिन्ना बाबू ने उसे बड़े चम्मच से खूब अच्छी तरह मिलाया। अम्मा ने इस मीठे गूदे की एक पतली सी परत चटाई पर फैला दी, फिर उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। दिन छिपने तक उन्होंने चटाई को एक साड़ी से ढक दिया। क्यों ढक दिया? ताकि उस पर कोई डस्ट वगैरह ना पड़े। द नेक्स्ट डे दे अगेन टोक आउट सम मैंगो पल्प, दे एडेड जैगरी एंड सुगर इन टू द पल्प, देन दे स्प्रेड द पल्प ओवर द प्रीवियस डेज लेयर। दिस वर्क वॉज गिवेन टू बोथ द ब्रदर, बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मैनी लेयर्स ओवर इट। फॉर द नेक्स्ट 4 weeks दे होप दैट इट वुड नॉट रेन। अगले दिन उन्होंने फिर से आमों का पूरा आमों का गूदा निकाला, उसमें चीनी गुड़ डाला, फिर पिछले दिन वाली आम की परत पर एक और परत जमा दी। चौथे दिन से अम्मा ने बाकी का काम चिन्ना बाबू और चिट्टी बाबू को खुद करने को कहा। दोनों ने मिलकर ऐसे ही कई परतें जमाई। अगले 4 हफ्ते तक उन्हें यही चिंता रही कि कहीं बारिश ना हो जाए। फोर वीक्स दे एडिड लेयर आफ्टर लेयर अंटिल द जेली ग्रू 4 centimeters थिक एंड लुक्ड लाइक अ गोल्डन केक। आफ्टर सम डेज अम्मा सेड द मामिडी तांडा इज रेडी, वी कैन टेक इट आउट एंड कट इट इन टू पीसेज टुमारो। 4 हफ्ते बाद आम पापड़ की परत पर जब तक कि 4 सेंटीमीटर की नहीं हो गई, वो लोग उस पर फैलाते रहे और एक सुनहरी बिछौनी की तरह जब वो लगने लगी। कुछ दिन बाद भानुमती ने कहा कि अब आम पापड़ तैयार है, कल हम उसे निकाल के उसके टुकड़े काटेंगे। द नेक्स्ट डे द मैट वाज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, मावड़ी तांद्रा वाज कट इन टू स्मॉलर पीसेज, द ब्रदर्स टेस्टेड इट, इट वाज टेस्टी। चिन्ना बाबू सेड वाओ हाउ टेस्टी, आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग इट। अगले दिन उन्होंने आंगन में मचान पर से चटाई हटाई, आम पापड़ की परत को छोटे टुकड़ों में काटा और अपना बनाया हुआ आम पापड़ चखा। चिन्ना बाबू बोले, वाह मज़ा आ गया, आखिर अपना हाथ भी तो लगा है इसमें। राइट, लिखो। Why was sugar and jaggery mixed to into the mango pulp and dried in the sun? Why did Appa first choose the most ripe mangoes to be used for making the mamidi tandra? How did the brothers make the mamidi tandra? Write down step by step what they did for this. What things are made in your house from ripe and unripe mangoes? लिखना है, क्या लिखना है? आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर धूप में क्यों सुखाया होगा? बाबा ने आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पके हुए आम पहले क्यों छांटे? और भाइयों ने मामेरी तांडा कैसे बनाया? अलग अलग स्टेप बाय स्टेप उस चरणों में समझाना है। तुम्हारे घर में कच्चे व पके हुए आम से क्या क्या बनाते हैं? तुम्हें मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स दैट यू नो अबाउट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एक सूची बनाना है तुम्हें कितनी तरह के अचार के बारे में पता है, तथा कक्षा में साथियों से उस पर बातचीत करना है। फाइंड आउट एंड डिस्कस, पता करो और चर्चा करो। इज देयर एनी काइंड ऑफ पिकल्स मेड इन योर हाउस? वाट काइंड ऑफ पिकल इज इट? हु मेक्स इट? फ्रॉम हुम डिड दे लर्न टू मेक द पिकल? वाट ऑल थिंग्स आर नीडेड टू मेक एनी वन टाइप ऑफ पिकल्स इन योर हाउस? हाउ इज द पिकल्स मेड? फाइंड आउट द रेसिपी एंड राइट हाउ आर दीज थिंग्स मेड इन योर हाउस? पापड़, चटनी, बढ़िया, सॉस। इट इज़ अ 2-day
journey by train from Pune to Kolkata. If you were to go on this trip, what food items would you carry with you? How would you pack them? Make a list on the blackboard of all the packed food. What food would you eat first? क्या तुम्हारे घर पर कोई अचार बनाता है? कौन सा अचार कौन बनाता है? उन्होंने यह तरीका किससे सीखा? तुम्हारे घर में बनने वाले किसी एक अचार बनाने में किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? अचार बनाने का क्या क्या तरीका है? पापड़, चटनी, बढ़िया, सॉस आदि तुम्हारे यहाँ कैसे बनाते हैं? पुणे से कोलकाता तक रेलगाड़ी से जाने में 2 दिन लगते हैं। अगर तुम्हें उस सफ़र में जाना हो तो तुम खाने में क्या ले जाना पसंद करोगे? उसको पैक कैसे करोगे? सब मिलकर ब्लैक बोर्ड पर एक सूची बनाओ। सबसे पहले क्या खाओगे? व्हाट वी हैव लर्नड, हम क्या समझे? ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग देम विद पिकल्स। व्हाई इज दिस डन? डू यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड टू द ब्रेड इन द एक्सपेरिमेंट? शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को क्या करते हैं? धूप में सुखाया जाता है। क्यों सुखाया जाता है? अगर किसी शीशी में थोड़ा पानी रह जाए तो क्या होगा? जैसे कि ब्रेड वाला एक्सपेरिमेंट अभी पहले हमने पढ़ा है, इसके पहले तो क्या हुआ था उसमें? क्या तुम्हें ब्रेड वाला प्रयोग याद है? उसमें फंज लग जाते हैं, फंजाई, फफूंद टाइप की। टू ईट मैंगोज राउंड द ईयर वी मेक डिफरेंट आइटम्स लाइक पिकल, आम पापड़, चटनी, चिक्की, ईटीसी। लिस्ट सम अदर फूड विद विच वी मेक डिफरेंट थिंग्स सो दैट वी कैन एन्जॉय इट थ्रू आउट द ईयर। आम को पूरे साल चलाने के लिए हम उसकी अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि अचार है, आम पापड़ है, चटनी है, टॉफ़ी, रस आदि कई चीज़ें बनाते हैं। कुछ और खाने की चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए उनसे अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं। ये चैप्टर पूरा हो गया, आई होप तो समझ में आ गया होगा। इसको बार बार पढ़ना है और समझना है, इंटरेस्टिंग है। थैंक यू।